यूपी के गाजीपुर में हीरोइन पकड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले दिनों करोड़ों की हीरोइन बरामद होने के बाद एक बार फिर से गाजीपुर पुलिस ने 1,80,00,000 की हीरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के पास से 1 किलो 800 ग्राम हीरोइन, 40,000 नकदी और बाइक बरामद की गई है। आपको बता दें, गाजीपुर में पुलिस लगातार मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाकर तस्करों की कमर तोड़ने में लगी हुई है। यह दावा हम नहीं बल्कि SP गाजीपुर ओमवीर सिंह कर रहे हैं। दरअसल गाजीपुर के जंगीपुर थाना इलाके के बेंसो नदी पुलिया के पास वाहन चेकिंग के दौरान 3 हीरोइन तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए हीरोइन तस्करों के पास से 1 किलो 800 ग्राम हीरोइन बरामद की गई है और बरामद हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1,80,00,000 रुपये बताई जा रही है। साथ ही साथ इन तस्करों के पास से 40,000 रुपये की नकदी और एक अदद बाइक भी बरामद की गई है। इस बात का खुलासा गाजीपुर के SP ओमवीर सिंह ने अपने कार्यालय में बरामद माल और तस्करों को मीडिया को सामने पेश करते हुए किया। इस मामले में SP ओमवीर सिंह ने बताया कि क्षेत्राधिकारी नगर, स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना जंगीपुर पुलिस के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन में ये कामयाबी मिली है। इस दौरान उन्होंने बताया कि जंगीपुर थाना के बेंसो नदिया पुलिया के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 3 संदिग्ध नजर आए, जिनको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पुलिस की टीम के द्वारा पकड़ लिया गया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 1 किलो 800 ग्राम की हीरोइन बरामद की गई और हीरोइन की कीमत 1,80,00,000 आंकी गई है। साथ ही साथ इन तस्करों के पास से नकदी और बाइक भी बरामद की गई। पकड़े गए 3 तस्करों में चंद्रजीत यादव निवासी माहेपुर थाना करंडा का रहने वाला है, जबकि दूसरा तस्कर कैलाश यादव नसीरपुर थाना करीमुद्दीनपुर का रहने वाला है और तीसरा तस्कर जितेंद्र गुप्ता निवासी शहर के उर्दू बाजार थाना सदर कोसवाड़ी का रहने वाला है। पकड़े गए सभी तस्करों के खिलाफ थाना जंगीपुर में धारा 8/21 NDPC एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करके नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज हमारी थाना जंगीपुर पुलिस स्वाट सर्विलेंस ने क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एक उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसमें इनके द्वारा चेकिंग के दौरान जंगीपुर थाना क्षेत्र में बैसो नदी पुल के पास 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास भारी मात्रा में मादक पदार्थ, लगभग 1 किलो 80 ग्राम हेरोइन पाउडर, जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है, इसके अलावा इसी कृत से इनके द्वारा कमाए गए 40,000 रुपये और एक संदिग्ध मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है। जो बरामद ड्रग है इनके पास से जो बरामद किया गया है उसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर है, लगभग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। सर, यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।